गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रचना सिंह। बच्चों, आज हम संस्कृत में छठवां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है संज्ञा शब्दाह संख्या च। मतलब संज्ञा शब्द और में पुल्लिंग शब्दों के साथ में संख्या कैसे प्रयोग में लाते हैं, तो इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। संस्कृत में शब्द संज्ञा पुल्लिंग और संख्याएँ भी प्रयोग में लाई जाती हैं, जिन्हें उनकी संख्या व वचन के अनुरूप प्रयोग में लाते हैं। अतः इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, हम इस पाठ में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। अयम एकः वृक्षः अस्ति, मतलब यह एक वृक्ष है। आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक पेड़ बना है, तो उसी के बारे में बताया गया है। अयम एकः वृक्षः अस्ति, यह एक पेड़ है। अस्य वर्णः हरितः अस्ति, मतलब इसका रंग कैसा है, हरा है। अब दूसरा देखेंगे। एतौ द्वौ भुजंगौ स्तः, अर्थात ये दोनों कौन है, सांप हैं, ये दोनों सर्प हैं। भुजंग की हिंदी होती है सर्प, ठीक है। सांप जिसको आप ऐसे बोलते हो तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्प बोलते हैं। तो एतौ कृष्ण वर्णे भुजंगौ स्तः, ये दोनों सर्प किस रंग के हैं, काले रंग के हैं। कृष्ण वर्ण अर्थात काला रंग, ये दोनों सर्प काले रंग के हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। त्रयः सुकाः वृक्षे उपविशन्ति, त्रयः अर्थात तीन। देखेंगे पिक्चर में तीन पैरेट तोते बने हुए हैं, तो कह रहा है तीन सुकाः अर्थात तोते वृक्ष मतलब पेड़ में बैठे हैं। तीन तोते पेड़ पर बैठे हैं। तेषां वर्णाः हरिताः सन्ति, मतलब उन सभी का वर्ण कैसा है, उन सभी का रंग हरा है, उन सभी का रंग हरा है। तेषां चक्षुनाम रक्त वर्णम अस्ति, मतलब उनकी जो चक्षुनाम अर्थात चोंच है, चक्षुनाम का मतलब होता है चोंच, किस रंग की है चोंच, रक्त वर्ण अर्थात लाल रंग की है, ठीक है। चत्वारः ध्वजाः सन्ति, चार ध्वज हैं। देखेंगे पिक्चर पे चार ध्वज हैं, चार झंडे, ध्वज मीन्स झंडा, तो चार झंडे हैं। ध्वजानाम वर्णः काषायाः सन्ति, ध्वज का वर्ण कैसा है, केसरिया रंग है। ध्वजों का रंग कैसा है, केसरिया है। काषाय वर्णः त्यागस्य प्रतीकः भवति, मतलब जो केसरिया रंग है वो किसका प्रतीक है, त्याग का प्रतीक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। इमे चत्वारः कपोताः सन्ति, ये सभी कौन है, ये सभी चार कबूतर हैं। कपोतानाम वर्णाः श्वेताः सन्ति, कबूतरों का रंग सफ़ेद है, ठीक है। श्वेत वर्णः शान्तस्यः प्रतीकः अस्ति, जो सफ़ेद वर्ण होता है वह शांति का प्रतीक होता है, ठीक है। पिक्चर में देखेंगे चार कबूतर बने हैं और इनका वर्ण सफ़ेद होता है। आपको पता है, आपने कबूतर देखे होंगे, तो कबूतरों का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है। तो बच्चों, इसमें देखिए संख्या बताई गई है, क्योंकि पेड़ एक है, एक के साथ में ये पेड़ है, पेड़ के साथ में एक एक पेड़ है, तो इसमें संख्या क्या बताई गई, एक। और ये सांप है, सांप दो है, तो ये संख्या आपकी दो। इसी प्रकार ये देखिए पैरेट तोते हैं, तो तोते में तोतों की संख्या कितनी है, तीन, तो देखिए त्रयः संस्कृत होती है। इसी प्रकार ये जो आपके ध्वज हैं, झंडे, तो इनके भी संख्या कितनी है, चत्वारः अर्थात चार। इसी प्रकार ये कबूतर भी कितने हैं, चार ये भी हैं, तो चत्वार कबूतर, ठीक है। इस पार्ट में पीछे देखिए संख्याएं लिखी हैं, तो अब उनको बताते हैं। देखेंगे चत्वार, चार तक की संख्याएं उधर बताई गई हैं। अब चार के बाद पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दस, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, मतलब चार तक की संख्याएं उधर बताई गई हैं। पंच अर्थात पाँच, षट अर्थात छः, सप्त अर्थात सात, अष्ट अर्थात आठ, नव अर्थात नौ, दस अर्थात दस, एकादश मतलब ग्यारह, द्वादश बारह, त्रयोदश तेरह, चतुर्दश चौदह, पंचदश पंद्रह, षोडश अर्थात सत्रह, वो षोडश अर्थात सोलह, सप्तदश अर्थात सत्रह, अष्टादश अर्थात अठारह, एकोनविंशति अर्थात उन्नीस, विंशति ही अर्थात बीस, ठीक है। एताः विंशति पर्यन्ताः संख्याः सन्ति, मतलब यह बीस तक की गिनतियाँ कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें ग्रुप में कॉन्टैक्ट करिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।